Very good morning to all of you. Those who are watching this video, uh, you might remember that uh, in the last lecture we had discussed about to the Gauss divergence theorem. Uh, this basically our topic comes into the electricity and magnetism books uh, and syllabus uh, that basically covered into the B.Sc physics course, right? So this is related to the chapter one. and myself सेल्फ डॉक्टर kumar uh, so today uh, we will show you uh, and discuss that uh, gauss divergence theorem and uh, its proof so सो थोड़ा रिमाइंड में अगर आपको करा दूँ तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो इसकी फिजिकल इंटरप्रिटेशन को डिस्कस किया था कि ये जो मैथमेटिकल इक्वेशन है क्लोज सरफेस इंटीग्रल ई डोट डी एस और वॉल्यूम इंटीगल ऑफ द डाइवर्जेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को ही कंसिडर किया हुआ है राइट तो ये वीडियो का जो डेस्क्रि वीडियो का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूँगा तो आपकी कनेक्टिविटी रहेगी राइट तो अभी अब जी ये जो लेक्चर है इसमें हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो प्रूफ uh, है उसका गोस डाइवर्जेंस थ्योरम का उसको डिस्कस करेंगे तो सिंपली uh, जो स्टेटमेंट है उसको आप अंडरस्टैंड uh, कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन विच इज इन टर्म्स ऑफ द क्लोज सरफेस दिस इज द सिंबल ऑफ क्लोज सरफेस इफ यू विल नॉट मार्क इट क्लोज देन इट विल बी ओपन सरफेस एंड इट्स मीनिंग आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दैट व्हाट इज इट मीन्स अब ई डोट डी एस तो ये कोई भी गोसिन सरफेस आप कंसिडर कर सकते हैं और उस गोशन जो सरफेस है वो क्लोज सरफेस है और वहाँ से जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको मिलेगा जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फिल्ड लाइन्स होंगी इफ़ यू टेक द डाइवर्जेंस एट एवरी पॉइंट राइट विद इन दी वॉल्यूम ऑफ दैट गोसिन सरफेस Uh, उसका जो रिजल्ट होगा वो सेम होगा तभी ये इक्वल टू का साइन यहाँ पर लिखा है तो uh, जो बॉक्स कंसीडर किया था आपने ये यह यहाँ एक बॉक्स कंसीडर किया था इस बॉक्स के एट एवरी पॉइंट यू आर टेकिंग द डाइवर्जेंस तो uh, जब डाइवर्जेंस लेते हैं तो वहाँ पर आपको क्या मिलता है मैग्नीट्यूड मिलता है दैट मीन्स uh, वो ए नंबर ऑफ लाइन मिलेगी फ्लक्स मिलेगा और चाहे तो आप फ्लक्स uh, ले लें जो गोस uh, फार्मूला है उसके अकॉर्डिंग ये जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है तो इसको यूज करके आप जितने इसके सिक्स फेसिस हैं तो उनसे कितना आपको फ्लक्स मिला है उसको आप काउंट कर लेंगे एंड दैट विल बी इक्वल टू दी डाइवर्जेंस राइट विद इन दैट वॉल्यूम सो यही आपको स्टेटमेंट uh, की फॉर्म में लिखना है तो यू कैन राइट दैट इट स्टेट्स दैट आई डोंट नीड कि मैं यहां पर बट एक बिस नोट्स और फोर दिस क्लियर आइडिया आई एम जस्ट राइटिंग इट स्टेट्स दैट द सरफेस इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर फील्ड ई यू कैन कंसीडर एनी वेक्टर फील्ड vector electric field I can mention here E right so we had consider here uh, electric field uh, right over a closed surface remember this one uh, they mention here over a closed surface right so this is U uh, surface so closed surface we have to consider or this is volume integral

राइट ओवर वॉल्यूम ओवर दॉल्यूम वॉल्यूम इनक्लोज बाय गोशियन सरफेस ओवर द वॉल्यूम इन क्लोज बाई दोशियन सरफेस एंड द नेचर ऑफ दिस गोशियन सरफेस कोई भी हो सकता है राइट right? आ, वो स्क्वायर की फॉर्म में हो सकता है पैरलो पाइप फॉर्म में हो सकता है वो एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में हो सकता है और कोई भी रैंडम सेप आप उसका कंसिडर कर सकते हैं राइट तो ये एक गोसिन सरफेस है और इस गोसिन सरफेस के थ्रू जितना वॉल्यूम कवर हुआ है उस वॉल्यूम के अंदर आपने क्या किया है डाइवर्जेंस लिया है ऑफ दैट फील्ड राइट तो अगर ये फील्ड ऐसे बाहर इस साइड से निकला है राइट तो यहाँ ये जो नंबर ऑफ लाइंस हैं कितनी है फोर है तो ये फोर लाइन आप कैसे मेजर कर सकते हैं इफ़ यू टेक द डाइवर्जेंस ऑफ दिस फील्ड राइट यू मे बी रिमेंबर वो लास्ट जो लेक्चर था उसमें हम लोगों ने इस जब एक्सप्लेन किया था डाइवर्जेंस को तब बताया था कि डाइवर्जेंस का मतलब ये है कि आ, आप वहाँ जो है मै, आ, मैथमेटिकली कि उस फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है आप उसको मेजर कर रहे हैं और ये इनवर्ड भी हो सकता है और ये आउटवर्ड भी हो सकता है राइट एक सर्टेन पॉइंट पर आपने देखा था इसको कि ये जीरो भी हुआ था तब उसको बोलते हैं कि यहाँ पर ये किस टाइप का है क्या बोलते हैं उस फील्ड को उस टाइम पे सोलेनोइडल राइट right? तो ये पॉइंट हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं आज का जो पॉइंट है उस आ, उसमें हम लोग इसको ड्राइव करेंगे शो so करेंगे प्रूव करेंगे और उसके प्रूफ के लिए वी हैव टू कंसीडर दिस काइंड ऑफ पे बॉक्सेस और ये पेरालोलो पाइप फॉर्म का बॉक्स है और इस बॉक्स के हम डिवीजन करेंगे जैसे कि अभी आप देख रहे हैं तो यह मैं छोटा सा पार्ट ऑलरेडी बना चुका हूँ ए बी सी डी ये सरफेस है और ये इस साइड का सरफेस होगा सी डी ई एच और अंदर की साइड का जो एक्चुअली कॉमन है वो डी बी और ये एफ़ ई e सरफेस है और ये जो दूसरा आप देख रहे हैं बॉक्स इसके साथ में ए की बॉक्स के एक्चुअली हम डिवीज़न करेंगे और नंबर ऑफ डिवीजन करेंगे वो नंबर ऑफ डिवीजन वेरी कर सकते हैं तो यहाँ प्रूव करना है तो उसके लिए हम लोग एन नंबर ऑफ बेसिकली इसके अंदर बॉक्सेस कंसिडर करेंगे तो ये पहला बॉक्स हुआ ये जो आप देख रहे हैं फिर ये दूसरा बॉक्स हुआ और वैसे ही आप जो है ये एक तीसरा बॉक्स कंसिडर कर सकते हैं तो अब ये जो है वो तीसरा बॉक्स हुआ और इसका जो वॉल्यूम होगा वो हम लोग कंसिडर वी थ्री और ओवरऑल जो सरफेस एरिया है उसको हम कंसिडर करेंगे एस थ्री एंड सिमिलरली यू कैन क्रिएट नंबर ऑफ द बॉक्सेस इनसाइड टू इट राइट तो इस तरह से आप जो है ये बॉक्सेज क्रिएट कर लेंगे तो ये नंबर फोर हुआ इसका वॉल्यूम जो होगा टोटल वॉल्यूम होगा V4 और इसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो होगा S4 फोर एंड सिमिलरली इफ यू वॉन्ट टू एक्सटेंड दिस अप्रोच देन यू हैव टू क्रिएट नंबर ऑफ दी दुक्स सिमिलर टू इट सो यहाँ पर uh, आप ये देख रहे हैं कि ये जो सरफेस है यहाँ पर ये कॉमन है इसके वन के लिए भी और टू के लिए भी उसी तरीके से आप इस वॉल uh, को समझ सकते हैं कि ये टू और थ्री के लिए कॉमन है और ये फिर इसी तरीके से तो इस आइडिया को भी आपको एक्सटेंड करना है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड uh, किसी भी एक सपोज uh, किया एक कंटेनर के अंदर एक बॉक्स के अंदर अगर मैं यहाँ सेंटर मान लूँ तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है एक्चुअली वो इस सरफेस से बाहर को निकलेंगी इधर को ये जो इधर का सरफेस है सी डी ई एच इधर से भी बाहर को आप कंसिडर करेंगे और ये जो ए बी सी डी ऊपर टॉप पर है इससे भी और ये जो दूसरी साइड में है इससे भी बाहर को निकलेगा और ये जो फेस है इसके साइड से भी ऐसे निकलेगा राइट right, तो सिमिलर टू दी जो आपका कोई भी क्यूबिकल बॉक्स है उसके पास में सिक्स फेसिस होंगे जैसे कि आपने लास्ट लेक्चर में भी देखा तो वहाँ पर एट एवरी फेस जो है वो आप फ्लक्स मेजर करते हैं ठीक है तो उसी टाइप से यहाँ पर होगा तो हमको टोटल फ्लक्स जो है फाइंड आउट करना है मैथमेटिकली तो उसके लिए हम लोग इस अप्रोच को यूज कर रहे हैं आई होप कि ये आइडिया आपको क्लियर होगा तो यहाँ एक आप आइडिया हम लोग यूज करेंगे वो आइडिया क्या होगा कि आप देखें कि ये कॉमन वॉल है इन दो क्यूब के बीच में तो यहाँ क्यूब कह लें या कंटेनर कह लें बॉक्स कह लें डिपेंड्स ऑन दिस सेप जो आपने यहाँ कंसीडर किया है तो यहाँ जब मैं इस फर्स्ट बॉक्स को कंसीडर करूँगा तो ये जो फेस होगा इससे जो फ्लक्स निकलेगा वो इस डायरेक्शन में निकलेगा राइट right? मैं उसको कंसिडर करूंगा और वो कैसे होगा वो क्लोज सरफेस इंटीग्रल ई डॉट और डी एस होगा राइट right? तो इलेक्ट्रिक विल यहाँ पर उसकी जो वैल्यू है वो कांस्टेंट रखी है तो इट विल रिमेन कांस्टेंट बट ये जो सरफेस एलिमेंट्री एरिया है इस सरफेस का वो एस वन के थ्रू आएगा तो उसको मैं ऐसे लिख दूंगा नेक्स्ट पॉइंट सिमिलर अप्रोच वी विल यूज कि ये जो सेकेंड कंटेनर है इससे कितना फ्लक्स आया है तो उस टाइम पे जो है इसमें ये जब मैं कंसीडर करूँगा तो इसका जो ये लेफ्ट हैंड साइड की ये जो वॉल है इससे जो यहाँ और सेंटर में जो है वो मेरा पॉइंट सोर्स रखा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऊपर की साइड इधर की साइड बैक साइड फ्रंट साइड एंड दिस साइड सो आप इमेजिन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड में है जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है और उसका मैग्नीट्यूड सेम है जितना इस पहले बॉक्स के था। तो एक आ, जो है इलेक्ट्रिक uh, फ्लक्स जो है आप इस डायरेक्शन में मेजर करेंगे और पहले केस में आपने एस वन जब कंसिडर किया था ये तब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में था तो यहाँ आप एज्यूम कर सकते हैं कि ये जो फ्लक्स है ये फ्लक्स और ये पहले बॉक्स का जो इधर गया था और इसका जो इधर गया था वो एक दूसरे को जीरो कर देगा राइट right? एक दूसरे को कट कर देगा उनका जो सम आएगा वो जीरो होगा गोट द पॉइंट एंड सिमिलरली दिस अप्रोच वी विल फॉलो फोर अदर फेसेस जहाँ पर भी कॉमन है जैसे सेकेंड और थर्ड बॉक्स आया तो इसका इधर का फेस का हम लोगों ने पहले कंसिडर किया था इस साइड को लेकिन ये जो नंबर थ्री बॉक्स होगा इसका होगा इस साइड को तो इस वॉल पर जहाँ पर यह कॉमन है ये फर्स्ट वॉल सेकेंड वॉल थर्ड वॉल फोर्थ वॉल सिमिलरली अप टू दी एंड तो इन बॉल्स पर जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो ज़ीरो रहेगा तो ये थोड़ा अप्रोच हम लोग यूज़ करेंगे इन द डेरिवेशन तो एक तो आइडिया ये हुआ तो यहाँ जो सपोर्टिंग फिजिकल कंसेप्ट हैं तो उनको मैं बता चुका हूँ कि क्या अप्रोच यूज करनी है राइट इन बॉक्सेस पर ये जो हम लोगों ने कंसिडर किए हैं आप किसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में देखेंगे तो वहाँ पर थ्री हो सकते हैं वहाँ पर फोर हो सकते हैं और जब हम इसको ड्राइव कर रहे हैं तो यहाँ पर वी हैव कंसिडर्ड ये एन नंबर ऑफ दो इक्वेशन जब हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पर तो इक्वेशन हम लोगों ने कैसे लिखा था uh, इसको मैं यहाँ से इरेज कर दूँ और राइट right, तो इक्वेशन इफ़ यू रिमेंबर तो वो हमने लिखा था क्लोज सरफेस इंटीगल ये थोड़ा बड़ा हो

इंटीग्रेशन है वो कर रहे हैं तो टोटल वॉल्यूम और ये वॉल्यूम इंटीग्रल किसका ये वॉल्यूम इंटीग्रल होगा डाइवर्जेंस ऑफ ई का तो आपने पहले डाइवर्जेंस ऑफ मेजर किया एट एवरी पॉइंट राइट और उसके बाद में फिर क्या किया उसका वॉल्यूम ले लिया वॉल्यूम इंटीग्रल ले लिया तो ये हुआ गोस डाइवर्जेंस थ्योरम सो दिस यहाँ पर आपको एक पॉइंट और भी ध्यान रखना है कि ये जो सरफेस इंटीग्रल है और ये वॉल्यूम इंटीग्रल है तो ये एक रिलेशनशिप भी है आ, किसी एक वेक्टर के लिए आ, राइट तो उसको अगर सरफेस इंटीग्रल में आपके पास में अवेलेबल है तो वॉल्यूम इंटीग्रल में कैसे कन्वर्ट करेंगे तो जब मैक्सवेल की इक्वेशन आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अंदर पढ़ते हैं तब इन इक्वेशंस का यूज होगा तो थोड़ा ध्यान रख लीजिए एक बार इसका माइंड में इम्प्रेशन ले लीजिए कि ये कैसे दिखाई पड़ रही है लेफ्ट हैंड साइड में आपका सरफेस इंटीग्रल है राइट हैंड साइड में आपका वॉल्यूम इंटीग्रल है तो ये क्लोज सरफेस इंटीग्रल आपको लिखना है अगर आप एक सिंगल लाइन और ऐसे लिखते हैं तो ये क्लोज़ पाथ है इसका मतलब राइट right? जब तक कि आप यहाँ पर किसी को नहीं बताएंगे कि आपने ये सरफेस कंसिडर किया है। तो अब ये जो एरिया निकलेगा मैं फिर दोबारा क्लियर कर दूँ ये इसका एरिया निकलेगा इस तरीके से तो वहाँ क्लोज़ पाथ इस तरीके से ये एक इंडिकेशन है राइट right? ये जो एरिया है ये आपको यू नो you know कि ये जो एरिया है इसको हम लोगों ने ओपन सरफेस एरिया कहा था तो रिमेंबर दिस थिंग मैथमेटिकली और अगर हम क्लोज सरफेस ऐसा कर देंगे तो ऐसा करने का क्लियर मतलब है कि जो सरफेस है ये ओपन नहीं है ये ऑलरेडी क्लोज है जैसे कि कोई भी मेटलिस्टिक ऑब्जेक्ट ना तो उस पर आप कोई सेक्शन कंसिडर करेंगे तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है इंटीगल का मतलब और इधर ये वॉल्यूम इंटीगल ये तो नॉन होगा आपको तो लेट्स स्टार्ट और जो ये पॉइंट हैं जो यहाँ पैरामीटर कंसिडर किए हैं वो क्या कंसिडर किए हैं कि एक जो बॉक्स है उस बॉक्स का जो एरिया है वो सरफेस एरिया वो एस वन है और उसका जो वॉल्यूम होगा वो वी वन होगा और ये पहला बॉक्स है तो इस तरीके से वी आर कंसिडरिंग यह एन नंबर ऑफ स्मॉल बॉक्सेस तो आप जितने आप इसको इंक्रीज करेंगे उतना ही आप ध्यान रखिए कि वॉल्यूम तो छोटा होता जाएगा ओ पीच बॉक्स तो यहाँ एक ये पॉइंट आपको रखना है ध्यान कि अगर आप वॉल्यूम इन ये नंबर इंक्रीज करेंगे तो ऑब्वियस है कि उसका वॉल्यूम जो है वो कम होता जाएगा इफ यू आर कंसिडरिंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ दॉक्स देन वॉल्यूम विल टेंड्स टू जीरो सो लेट्स स्टार्ट मैथमेटिकली जो पॉइंट है आई होप की कंसेपचुअली अब आपको क्लियर हो चुका होगा सो so, यहाँ हम ये फर्स्ट जो बॉक्स है उसको कंसिडर करेंगे और वहां से फ्लक्स निकालेंगे पर यूनिट वॉल्यूम सो फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम राइट थ्रू द क्लोज सरफेस अराउंड ए पॉइंट इन द डाइवर्जेंस ऑफ फील्ड एट द पॉइंट यहाँ फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम हम लोगों को फाइंड आउट करना है फॉर दी फर्स्ट बॉक्स राउट राइट और ये पर यूनिट वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो फ्लक्स को कैसे निकालेंगे आप जब कोई क्लोज सरफेस आपको दिया होगा एंड क्लोज सरफेस में भी आपको कंडीशन दे दी कि वो गोशियन सरफेस है राइट right? तो यहां तो आप डायरेक्ट फार्मूला गोसला से यूज कर सकते हैं और गोसला क्या है कि क्लोज सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी एस और पर यूनिट वॉल्यूम का है तो वन अपॉन वी सो और ये कि इसके इक्वल होगा अब जब आप किसी भी क्लोज सरफेस के थ्रू पर यूनिट वॉल्यूम फ्लक्स फाइंड आउट करेंगे तो बाय uh, जो लॉ है वो क्या है दैट विल बी इक्वल टू द डाइवर्जेंस ऑफ दैट इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन दैट वॉल्यूम राइट सो दिस विल बी इक्वल टू दिस वन एंड हियर इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लें ट्रम्प को तो क्लोज सरफेस इंटीग्रल एक्चुअली प्रूव करना है तो प्रूव करना है इसी आईडिया के थ्रू तो वी नो ऑल दीज थिंग्स कि भी ई डोट डी एस पर यूनिट वॉल्यूम जो होगा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा ऑफ 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 दिस जो बॉक्स हमने कंसिडर किया है तो या तो एक भी ये है uh, जब हम इंटीग्रल uh, फॉर्म में कर रहे हैं या फिर इसको अगर डिफरेंशियल फॉर्म में करना है तो हम लोग ये बोल देंगे कि यू कंसिडर द डाइवर्जेंस और यू टेक द डाइवर्जेंस एट एवरी पॉइंट राइट बॉक्स तो वहाँ अराउंड दैट पॉइंट तो आप जो है वो आप यू आर बेसिकली गेटिंग द डाइवर्जेंस और डाइवर्जेंस क्या है अगेन द मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड किसका वो जो वहाँ पर चार्ज रखा है उससे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकली है राइट सो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो नेचर है वो किस तरीके से डाइवर्ज हुआ है राइट right? या फिर वो सोर्स के जैसे बिहेव कर रहा है वहाँ से फ्लैक्स निकला है तो कितना फ्लैक्स निकला है तो उस चीज़ के बारे में डाइवर्जेंस एक्सप्लेन करता है तो बहुत ज़्यादा अगर मैं कंसेप्चुअली डिस्कस करूँगा तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है तो मैं डायरेक्ट यहाँ e डोट डी एस इज़ इक्वल टू जब रीअरेंज कर रहे हैं इसको तो ये V ऐसे हम इसको लिख सकते हैं डाइवर्जेंस ऑफ E V राइट right, तो ये ये फर्स्ट पॉइंट हम लोगों ने यहाँ से जनरेट कर लिया है इस आइडिया से तो अब इसको थोड़ा सा हम लोग इस फॉर में लिख सकते हैं कि सपोज किया ये फर्स्ट कंटेनर जो फर्स्ट बॉक्स था उसके लिए था तो यहाँ इसका सरफेस हम मेंशन कर देंगे एस वन और वॉल्यूम हो जाएगा इसका वी वन और ई e जो है वो तो हम लोगों ने कॉन्सटेंट रखा ही है ई e यहाँ जो है वो कॉन्सटेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस पैरलो पाइप जो हम लोगों ने कंसिडर किया है वहाँ कॉन्स्टेंट है तो एट एवरी पॉइंट जो है वो कॉन्स्टेंट है सो ने चेंज क्या हो रहा है ओनली सरफेस एंड वॉल्यूम सो ये हमने जो है पहली इक्वेशन फाइंड आउट कर ली है सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट इक्वेशन फॉर दी सेकेंड जो बॉक्स है तो उसके लिए ये हो जाएगा क्लोज सरफेस इंटीग्रल ये लिखना जरूरी है फोर दस टू और ई डॉट डी एस और यहाँ टू आ जाएगा राइट right? ये एलिमेंट्री okay. एरिया तो टू uh, नहीं होगा ई डोट डी एस वेक्टर नोटेशन के साथ में और ये डाइवर्जेंस ऑफ ई एंड दिस इज वी टू एंड सिमिलरली फॉर द अदर देन यू विल राइट हियर Uh, आप उसको लिख भी सकते हैं uh, क्योंकि आपको शो uh, so करना है टीचर को कि यू नो ऑल दीज थिंग्स इन माई केस इट इज़ एन एफ कि जैसे मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिख दिया है एस वन एस टू एंड दैट्स ऑल अप टू द एस एन बट इन द एग्जामिनेशन यू हैव टू राइट दिस इज एस थ्री एंड दिस इज ई डोट डी एस राइट इज इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ ई एंड वॉल्यूम आपका आ जाएगा V3 थ्री right? राइट तो वॉल्यूम यहाँ आ जाएगा uh, ये V3 एंड सिमिलरली यू कैन एक्सटेंड दिस अप्रोच अप टू दिन सो दिस सरफेस इंटीग्रल दैट इज़ क्लोज एंड फॉर द एन एथ सरफेस ई डोट डी एस इज इक्वल टू यू कैन राइट हियर डाइवर्जेंस ऑफ ई एंड दिस इज वी एन राइट सो ना क्या अब अगर आप पिक्चर देखते हैं तो इस पिक्चर में uh, जो आप फाइंड आउट कर रहे हैं आपने ये क्वेश्चन को फाइंड आउट किया एंड यू हैव टू फाइंड आउट ओवरऑल जो uh, ये जब आप इनको ज्वाइन करेंगे क्योंकि एक ही सेगमेंट था एक ही ये जो पैरालोल पाइप था उसके हम लोगों ने डिविजन किए हैं और मैथमेटिकली हम लोगों को प्रूव करना है कि यहाँ जो फ्लक्स है वो इस इक्वेशन को शो करेगा तो इसके लिए हम लोगों को एक्चुअली ये जितने भी रिजल्ट आए हैं ये जितने भी इक्वेशंस आई हैं फॉर ईच बॉक्स वो ऐड करना होगा तब हम लोगों को ये पूरा का पूरा बॉक्स मिलेगा राइट और तब उस पूरे बॉक्स से कितना फ्लक्स निकला है लेफ्ट हैंड साइड में और फिर उसकी जो राइट हैंड साइड में वैल्यू है वो क्या होगी तो मैथमेटिकली वो शो करना है सो लेट्स एड

डोट डी एस तो ये तो लेफ्ट हैंड साइड हुआ आपका और राइट हैंड साइड में जो आएगा ये आपका आ जाएगा इज इक्वल टू मैं यहाँ थोड़ा सा मेंशन कर दूँ और ये डाइवर्जेंस ऑफ ई वी वन प्लस डाइवर्जेंस ऑफ ई दिस इज वी टू एंड अप टू दिस लाइन एंड दिस इज डाइवर्जेंस ऑफ ई

राइट right? इस क्यूब का हम कंसिडर करेंगे इस बॉक्स का कंसिडर करेंगे वो इस डायरेक्शन में जाएगा और जब सेकंड कंटेनर को कंसिडर करेंगे तो इसी फेस पर जो फ्लक्स होगा वो इस डायरेक्शन में जाएगा तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे इस कॉमन वॉल पर और इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली कांस्टेंट है तो इसलिए ये एक दूसरे को कैंसिल करते हैं तो वी विल नॉट कंसिडर दिस वन एंड तो हम इसको सिंपली जनरलाइज कर लेंगे विद uh, दिस uh, जो कंसेप्ट अभी हम लोग बोल रहे हैं तो ओवरऑल हम लोगों को अब इस पैरालो पाइप की जो है बाउंड्री है जो राइट right, वो मिलेंगी ये इंटरनल जो वॉल है उसका आइडिया ख़त्म हो चुका है और हम लोगों को केवल एन uh, जो बॉक्सेज कंसीडर किए थे उन एन बॉक्सेस के अंदर केवल जो फ्लक्स मिलेगा ये जो पूरी आप देख रहे हैं सरफेस इसके थ्रू मिलेगा ये जो पूरा ये सरफेस है इसके थ्रू मिलेगा इधर ही मिलेगा ये तो नॉर्मली जैसे हम लोग कंसिडर करते हैं एक क्यूब तो उसी तरीके से हम लोगों को ये बेनिफिट इसका अब मिलेगा विद द हेल्प ऑफ दैट कंसेप्ट सो मैथमेटिकली नाउ द लेफ्ट हैंड साइड कैन बी रिटर्न एज समेसन ओवर यू कैन कंसिडर हियर एन ऑलरेडी आई इज इक्वल टू वन टू एन ये आपने कंसिडर किए हुए हैं यहाँ पर तो एन में इसको छोटा ही रख दूंगा तो ज्यादा बेटर होगा तो दिस इज स्मॉल एन टोटल नंबर ऑफ द बॉक्सेस एन लेफ्ट हैंड साइड में आपने कंसिडर किया था क्लोज सरफेस इंटीग्रल राइट सो हियर इंस्टेड ऑफ वन टू थ्री यू विल राइट एस आई and this is e uh, dot ds right so this is the only point and from this point you can consider or you can write uh, it uh, in a simple way that this is the total electric flux through that parallel pipe so this is e dot ds right so by this way you have seen uh, the sum of these uh, all n terms and the meaning of that एंड इन द राइट हैंड साइड यू कैन राइट इट ये जो साइड है अभी इधर का उसको आप कैसे लिख सकते हैं ये क्योंकि यहाँ वन से वेरी क्या करता है वॉल्यूम एक्चुअली यहाँ पर हमने कंसिडर किए हैं तो वो वेरी करता है तो इसको राइट हैंड साइड को ये तो हुआ आपका लेफ्ट हैंड साइड और जो राइट हैंड साइड है उसको आप कैसे लिख सकते हैं राइट हैंड साइड को समेसन over i is equal to 1 up to n and uh, this is divergence of e there is no change into the electric field change is only this volume right. So, from summation i is equal to 1 uh, to n and this is divergence of e, vi. So, uh, now in the next slide I can write this uh, statement as क्लोज सरफेस इंटीग्रल दिस इज ई डॉट डी एस इज इक्वल टू ये जो पॉइंट अभी हम लोगों ने लिखा है समेसन आई इज इक्वल टू वन टू एन एंड दिस डाइवर्जेंस ऑफ ई एंड दिस इज वी आई सो दिस इज द पॉइंट नाउ अब हम क्या यूज करेंगे एक नया कंसेप्ट यूज करेंगे और नए कंसेप्ट में ये यूज करेंगे कि एन जो है एन नंबर ऑफ बॉक्सेस जो है अगर वो बहुत ज्यादा हम लोग बढ़ा दें तो तब क्या होगा तो यू नो कि भाई जैसे जैसे नंबर इनका इंक्रीज करेगा तो ये जो वॉल्यूम है ये और छोटा होता जाएगा राइट तब ये यहां पर आ जाएगा इस तरीके से तो आप इमेजिन कर सकते हैं तब हमको ये कंसीडर करना पड़ेगा और नंबर इंक्रीज कर देंगे तो ये यहाँ पर पहुँच जाएगा तो इस तरीके से जो वॉल्यूम है वो ही एक्चुअली उस पर ही इम्पैक्ट आएगा तो वॉल्यूम विल चेंज व्हेन यू विल इंक्रीज दी नंबर देन वी जो है ये जो वी आई आप यहाँ देख रहे हैं वो uh, किस साइड को मूव करेगा उसका वॉल्यूम जो है वो जीरो की साइड को मूव करेगा तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस राइट हैंड साइड इन टर्म्स ऑफ दिस समेसन सो so, हम लोग इसको मैथमेटिकली uh, लिख सकते हैं कि लिमिट व्हेन एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी वॉल्यूम वी आई टेंडिंग टू जीरो राइट एंड दिस समेसन आई इज इक्वल टू वन टू एन राइट एंड दिस इज डाइवर्जेंस ऑफ ई सिमिलरली एंड वी आई

and uh, vi becomes a uh, dv differential form right so uh, now we can write this equation uh, into the volume integral form so this is uh, divergence of e and this uh, becomes dv so uh, this was the way uh, to prove uh, this uh, gauss divergence theorem by using टू मैथमेटिकल कंसेप्ट वी हैड कंसिडर्ड ही वन एट दिस एंड वेन वी आर यूजिंग दिस वी आई वॉल्यूम ऑफ दैट टीच बॉक्स कंटेनर अटेंडिंग टू जीरो दैन दैट टाइम दिस कैन बी कन्वर्टेड इन टू दॉल्यूम इंटीगल एक ये पॉइंट यहाँ कंसिडर किया और सेकेंड पॉइंट आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा वो यहाँ ऑब्जर्व किया इस अप्रोच को यूज करके तो एक अप्रोच ये यूज किया है वैन एंड टेंडिंग टू इन्फिनी एंड सेकेंड इन दिस केस ये जो लिमिटेड लिमिटेशंस हम लोगों ने यहाँ अप्रोच की है तो एक अप्रो एक आइडिया हम लोगों ने यहाँ पर यूज़ किया तो फर्स्ट कंसेप्ट यहाँ और सेकंड कंसेप्ट यहाँ मैथमेटिकली यूज किया इससे पहले ये राइट हैंड साइड और ये सब टर्म थे तो इनको समयसन की फॉर्म में लिखा तो यू कैन से कि भाई यहाँ पर भी एक आइडिया और अप्रोच यूज की और उसके पहले ये हम लोग कंसिडर करी चुके थे ओपन सरफेस क्लोज सरफेस ये बेसिक आइडिया तो आ, इस वीडियो में एक्चुअली अभी इतना ही ये ड्राइव हो चुका है तो आ, आप यू कैन कमेंट करके आप बताएं कि किस पॉइंट पर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ है राइट और किस पॉइंट पर आपको कंफ्यूजन आया है वेन यू विल बेसिकली कमेंट ओनली देन आई कैन अंडरस्टैंड कि आप मेरा जो इंटरेक्शन था वो uh, मशीन के साथ में नहीं था मशीन का मतलब ये कि जैसे मैं अभी लिख रहा हूँ तो मैं केवल मशीन देख रहा हूँ या बोर्ड देख रहा हूँ ये पेन से लिख रहा हूँ लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मेरा जो इंटरेक्शन है वो uh, जो पर्सन है जो स्टूडेंट है उसके साथ हुआ है और उसको क्या चीज़ समझ आई क्या चीज़ नहीं समझ आई अगर वो फीडबैक मुझको मिलेगी तो ये जो नेक्स्ट वीडियोस हैं वो और भी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे और इम्प्रूवमेंट होगा उसके अंदर तो आज की वीडियो में केवल इतना ही एंड आई होप कि आई डिड ट्राई टू मेक द क्लियर अबाउट इट जो भी रिलेटेड कंसेप्ट थे गोस्ट डाइवर्जेंस थ्योरम से नेक्स्ट पॉइंट पर हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम या कोई कर्ल uh, का आइडिया लेकर के फिर बात करेंगे सो थैंक यू फॉर योर टाइम एंड वॉचिंग दिस वीडियो